सो टू स्टार्ट नाउ, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल है और हमें उसे कैसे वर्क करना है, उसे ओपन कैसे करना है, इसके बारे में हमने सीखा था। एंड नेक्स्ट टाइम हमने कैसे किताबों को लिखना है। ओके, तो हम फिर से वन टाइम रिविजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था। हमारी सेल है उसे एडिटिंग कैसे करनी है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, कुछ हमें एडिटिंग फॉर्मेटिंग सेल एंड सेल कंटेंट के बारे में हमने लास्ट टाइम सीखा था कि हमारी सिंगल सेल उसमें कुछ हमें ऐड करना है। सिंगल सेल में क्या लिखा था, वन रेक्टेंगल जैसा बॉक्स था उसे हम क्या कहते थे, सेल। उसे कौन सा सेल कहते हैं, तो सिंगल सेल। और रेंज ऑफ द सेल, रेंज ऑफ द सेल में हमारा सेल का एरिया कितना है, कितना बड़ा हमें सेल करना है, उसे कितना बड़ा बॉक्स करना है, तो उसे सेल रेंज कहते हैं। नेक्स्ट, ऑल सेल ऑन द वर्कशीट, हमारी सेल पूरी वर्कशीट में हम उसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी कॉर्ड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में सीखा था। नेक्स्ट, नॉन एग्जिस्टेंट सेल और सेल रेंज, हमारी रेंज में हमने यहाँ पर लिखा है कंटेंट के हमारा कितना बड़ा वर्ड हुआ, उसके बारे में हमने सीखा था। नेक्स्ट हमने सीखा था एंड एंटर द रो एंड कॉलम। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? फास्ट यस और नो रिप्लाई। ओके, एंड एंटर द रो एंड कॉलम, हमें रो और कॉलम को कैसे एक्स्ट्रा ऐड करनी है, यहाँ पे सीखा था एडजस्टिंग रो एंड कॉलम। वर्ड में वर्ड लिखा है उसे रो एंड कॉलम में कैसे एडजस्ट करना है, नॉ एडजस्टमेंट रो एंड कॉलम। ये हमने कौन सा टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम जो स्टडी कराया था वो। आज का हमारा टॉपिक है एंटर द नंबर टैग डेट एंड टाइम। आप लोगों की बुक में पेज नंबर 14 पे है। ओके, आपके पास अगर बुक हो तो आप लोग ओपन कर सकते हैं। एंटर द नंबर एज द टैग डेट एंड टाइम। आप लोगों को पता नहीं है, यहाँ पे अब मुझे नंबर ऐड करना है तो क्या करती हूँ मैं, ऑटोमेटिक नंबर वन टू थ्री ऐसे लिख के हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे डेट एंटर करनी है, टैग एंटर करना है, तो हमें क्या करना है उसे बॉक्स में, आप लोगों को पता ही है कि हमें बॉक्स में कुछ नाम लिखना है, तो सेल पे क्लिक करके और बाद में यहाँ पे एरो लिंक होगा, वहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेट एंड टाइम, हमें डेट तो चाहिए लेकिन उसके साथ टाइम भी एडजस्ट करना है। आप लोग कहते हैं कि जो मुझे इंडिया का टाइम एडजस्ट नहीं कर रहा, मुझे अमेरिका अफ्रीका से टाइम एडजस्टमेंट करना है, तो आप लोग उस फॉर्मेट में से डेट एंड टाइम वो भी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट है सिलेक्ट द सेल, और वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा सेल पे। सेल मीन्स यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि हमारा रेक्टेंगल है, सिलेक्टेड सेल है, उसे क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करोगे तो क्या आ जाएगा, एरो आ जाएगा। देन क्या करना है, राइट क्लिक, कौन सा क्लिक करना है, राइट क्लिक, यानी कि हमारा माउस से माउस तक राइट क्लिक करना है। कौन सा क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा, कॉपी पेस्ट अनडू कट ऐसा ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट। तो उसमें एक ऑप्शन होगा फॉर्मेट सेल, कौन सा ऑप्शन हो गए, फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को एक चौरस बॉक्स ओपन होगा, सिलेक्ट द टैग अंडर द कैटेगरी, हमें कैसी चाहिए कैटेगरी वाइज वो टैग बॉक्स हम ओपन करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेट सेल पे नीचे ने क्लिक किया तो आप लोगों का एक वन टाइम बॉक्स ओपन हो जाता है। उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, तो डेट एंटर कर सकते हो, अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, जो वर्ड आपने सिलेक्ट किया है वही
लोगों ने फॉर्मेट नहीं किया और आप लोग उसमें फॉर्मेट देते हो तो उसमें फॉर्मेट नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि उसमें आप लोगों ने फॉर्मेट है वो सिलेक्ट नहीं किया है। जो वर्ड आप सिलेक्ट करोगे और फॉर्मेट करोगे वही वर्ड आपका फॉर्मेट होगा। सीखेंगे नेक्स्ट है इंसर्ट द कॉलम एंड रो। उन्हें लास्ट टाइम जो फ्यूचर सीखे थे कॉलम और रो तभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, टीचर के पास यहाँ पे एक टेबल है, इसमें लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे टीचर ने एक टेबल बनाया है, सिंपल टेबल है, उसमें टीचर ने यहाँ पे 4 मिस कर दिया तो वो तो दिख रहा है 3 के बाद आपको मैंने क्या किया 5 एंटर कर दिया है। लेकिन अब आप लोगों क्या करोगे, क्या इसे डिलीट करके फिर से न्यू एंट्री करोगे? नहीं, आपके यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट, जिस सेल में आप लोगों को रो या कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस हमने जो की थी आगे राइट क्लिक करके, राइट क्लिक में यहाँ पे आपको मेन्यू दिखाई देगा इंसर्ट, इंसर्ट द रो एंड कॉलम, इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको जहाँ पे कॉलम या रो चाहिए वहाँ पे आप इंसर्ट हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ फिफ्थ के ऊपर वाले पे चाहिए तो आपको क्या करना होगा, फिफ्थ को सिलेक्ट करेंगे और उसे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो अपर साइड आपको रो इंसर्ट हो जाएगी। ये आपके होम मेन्यू में से भी आप लोगों को इंसर्ट टैब मिल जाएगी, पता चला? नेक्स्ट सेम आप लोगों को यहाँ पे फिफ्थ की जगह आपने फिर से एंटर तो किया लेकिन यहाँ पे 7 हो गया है एंटर। अब आप लोगों को यहाँ पे 7 नंबर वाली रो है उसे डिलीट करनी है तो आप लोग क्या करोगे इसे डिलीट करने के लिए, सेम प्रोसेस आप जिस सेल को आपको डिलीट करनी है उसे सिलेक्ट करना, देन राइट क्लिक करके आप लोगों को यहाँ से करना पड़ेगा डिलीट, कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी आप लोगों को, डिलीट की। ओके पता चला? नेक्स्ट इसका हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉपी एंड मूविंग द डेटा। कॉपी मीन्स आप लोग एग्जाम में करते हो ना, आगे वाले सेल से दिख के पीछे वाले आपका पेपर फिल कर सकते हो। सेम यहाँ पे भी आप लोगों ने कुछ ऐसा टेबल बनाया है, टीचर ने आपको होमवर्क दिया है, सेम टेबल आप लोगों को बनाना है कंप्यूटर में तो आप क्या करोगे, कॉपी करते हो, कॉपी तो कर सकते हो लेकिन आपको सेम फॉर्मेट सेम फॉर्मूला यूज करना है तो आप लोग कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो? तो कैसे करना है, आप लोगों के पास 5 स्टेप है। फर्स्ट उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, Ctrl+C। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, अब जिस संडे मंडे ट्यूजडे लिखा है इसे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सिलेक्ट करोगे एंड देन सिलेक्ट करके इसे क्या करना है, हमें माउस का राइट क्लिक करना है, हमारे पास माउस है उसका राइट बटन यहाँ पे प्रेस करना है, राइट बटन प्रेस करोगे तो आप लोगों को ऑप्शन दिखा देगा इंसर्ट डिलीट मूव कॉपी ऐसे, जैसे यहाँ पे कर कॉपी पेस्ट पेस्ट स्पेशल इंसर्ट। आप लोगों को पता है पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में डिफरेंट, ये दोनों सेम नहीं है। पेस्ट मीन्स आप लोगों को सिंपल जो संडे मंडे ट्यूजडे लिखा है वही कॉपी होगा, लेकिन पेस्ट स्पेशल में क्या होगा, आप लोगों ने अगर सम किया है मल्टीप्लिकेशन किया है तो सेम फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है चाहिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेस्ट स्पेशल, क्यों? क्योंकि इसमें जो आप लोगों ने कलर दिया है फॉर्मेट दिया है एडिटिंग कुछ किया है या इमेज ऐड की है तो सेम फॉर्मूला सेम फीचर्स आप लोगों को चाहिए तो पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा आप लोगों को, पता चला? नेक्स्ट मूविंग द डेटा। मूविंग द डेटा मीन्स आप लोगों के पास जब भी ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी सीट आती है, 3 सीट आती है, कितनी सीट आती है तो आप लोगों ने फर्स्ट सीट में यहाँ पे
आप लोगों को पता तो चल रहा है, टीचर की आवाज सुनाई दे रही है।
आप लोगों को स्टडी करना है तो स्टडी करो, नहीं पढ़ना है तो आप लोग लीव हो सकते हो। ओके, तो हमने आज फर्स्ट टॉपिक कौन सा सीखा था? एंटर इन द नंबर डैश एंड डे। कौन सा टॉपिक सीखा था फर्स्ट? एंटर इन द नंबर टैश एंड डे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नंबर से। यहाँ पे टीचर एक नंबर लिख रहे वन, यहाँ पे आप फिल कराओ। फर्स्ट क्या करेंगे हम? नंबर फिल कराएंगे। तो हमें कैसे करना है? यहाँ पे आप लोगों ने दिखाई है हमारी कौन सी पार्ट है से, आपको 100+ का आइकन दिखाई दे रहा है। ओके, प्लस का आइकन पे आप इसे ड्रैग करोगे तो सिर्फ कौन सा नंबर फिल हुआ? वन लिखा था तो वन ही हुआ, लेकिन यहाँ पे आप लोग वन की जगह टू कर दोगे। तो आप क्या करोगे? वन एंड टू करोगे एंड देन आप लोग कॉर्नर से इसे फिल कराओगे। तो देखो ऑटोमेटिकली नंबर फिल हो गए 1 2 3 4 5 6। तो कौन क्या हुआ आप लोगों का? फिल नंबर। देन आप लोगों को टीचर हमें टेस्ट फिल कराना है, तो टेस्ट फिल कराते हैं। यहाँ पे लिखा है हरी, इसे टीचर ने दो नाम लिखे और उसे फिल कराते हैं। फर्स्ट सिलेक्ट किया एंड देन देखो सेम नाम आया हेतवरी। और टेस्ट नहीं समझ पाती क्योंकि हमने जो टेस्ट लिखा सेम टेस्ट ही वो फिल करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अल्फाबेटिक लिखते हैं तो अल्फाबेटिक हम फिल करा सकते हैं, करा है? तो सिर्फ ये अल्फाबेटिक में जो लिखा है वही फिल कराएंगे और कुछ नहीं, और टेस्ट ही फिल नहीं करा सकते। हमने जो नंबर लिखे नाम लिखे सेम नाम वो रिपीट हो गया ABC। ये टैक्स की प्रेजेंट फिल करा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक है डेट। डेट मीन्स यहाँ पे हम आज की डेट लिखते हैं। आज की डेट कौन सी है? 26/08/21। अब आपको तो मेन पार्ट है कि डेट है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आती है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट मीन्स आप लोगों ने पीसी में देखा होगा, आप यहाँ पे कॉर्नर पे राइट पर ड्राइंग कॉर्नर पे आप लोगों को पीसी में एक बॉक्स दिखा होगा स्टेटस बार में, उसमें डेट लिखी होगी। तो डेट जिस फॉर्मेट में होगी सेम फॉर्मेट अगर आप एंटर पे जब भी टाइप करोगे तो सेम फॉर्मेट यहाँ पे आएगी। टीचर की फॉर्मेट ऐसी है फर्स्ट डे है नेक्स्ट मंथ एंड नेक्स्ट ईयर है, तो सेम फॉर्मेट भी यहाँ पे आएगी। अब आप लोग क्या करनी है? डेट को फिल करानी है सेम डेट के। आप लोगों को 31 तक फिल करानी है। जैसे जैसे ड्रैग करोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहाँ तक फिल करानी है। अगर मैं यहाँ पे 26 के जगह पे लिखती हूँ 27 लिख के यहाँ पे फिल कराऊंगी। 26 7 26 7 8 सेम नंबर आए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ईयर चेंज हो रहा है 21 22 22 23 24 ऐसे पता चला। कुछ चेंज दिखा 21 22 23 ऐसे आप लोगों को ईयर ही चेंज करके देगा। अगर आप लोगों को क्या करना है आज का टॉपिक मैंने था कि हमें राइट क्लिक करना है फर्स्ट, तो हमें डेट यहाँ पे सिलेक्ट करें नेक्स्ट राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिया है फॉर्मेट से, फॉर्मेट से, फॉर्मेट से में आप लोगों को नेक्स्ट क्या है कि आप लोग तो उधर इसे ओपन कर सकते हैं फॉर्मेट से, तो उसकी शॉर्टकट की है F2। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को उसकी शॉर्टकट की चाहिए तो सिर्फ आपके पीसी में से फंक्शन F2 से प्रेस करोगे तो अभी आप लोगों को फॉर्मेट सेल वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से भी नहीं ओपन करना है तो आप लोगों को सिलेक्ट करके क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को कॉर्नर पे बॉक्स दिया है उस पर क्लिक करोगे तो अभी आप लोगों की फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी फॉर्मेट सेल।
अब फॉर्मेट सेल पे क्लिक करोगे तो एक बॉक्स ओपन होगा। आया एक बॉक्स ओपन होगा जैसे टीचर ने आपको बताया था। अब स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है आप लोगों को? ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को सॉर्ट किया है नंबर, नेक्स्ट एलिमेंट, फॉर्म, बॉर्डर, फी एंड प्रोटेक्शन। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे नंबर से। नेक्स्ट टाइम टीचर ने आप लोगों को बताया था कि नंबर यहाँ पे नंबर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर आ जाएगा। आप लोगों को कौन सा नंबर चाहिए डेसिमल वाला, आप लोग जब भी टाइप करते हो तो टाइप में क्या है आप सिर्फ नंबर टाइप करते हो, लेकिन आपको कोई सम दिया है बाद में उसे डॉट जीरो ऐसा कुछ लिखना है तो यहाँ से आप पॉइंट के बाद कितने डेसिमल नंबर चाहिए तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। 2, 3, 4 आपको दिख रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है कि जो जिसने डेसिमल ऐड कर रहे हैं तो इसे आप लोग ऑटो यहाँ से डेसिमल प्लेस भी फाइंड कर सकते हो। अगर डेसिमल नंबर नहीं चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जीरो लिखना पड़ेगा। देन करेंसी, करेंसी भी आप लोगों ने टीचर ने बताया ना कि हमारी इंडिया की करेंसी, अमेरिका की करेंसी सो डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप लोगों को अगर करेंसी चेंज यहाँ पे फिगर करनी है तो यहाँ से आप लोग करेंसी भी यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने अभी की है अमेरिकन की करेंसी, उसी का साइन तो कैसी आती है डॉलर, अमेरिकन की करेंसी तो अमेरिकन की करेंसी का साइन आ जाएगा। अगर आप लोगों को रशियन की चाहिए तो रशियन की साइन आ जाएगी से, और ओके करेगी आप लोगों को जिस साइन आपको फॉर्मेट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मीन्स आप लोगों को नेक्स्ट ईयर में आप लोगों को सिखाऊंगी सम मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसा करना है तो एक ऐसे ही आज साइन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है आज का डेट। अगर हमें डेट किस फॉर्मेट में चाहिए, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेट चाहिए, डेट के साथ टाइम आता है, सिर्फ मंथ चाहिए तो मंथ ले सकते हैं, ईयर चाहिए तो ईयर भी ले सकते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप लोग यहाँ से ईयर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप टीचर ने एक फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, टाइम भी आएगा और उसके साथ आप लोगों का डेट भी आएगी, तो यहाँ पे टीचर ने सिलेक्ट किया है देन आप लोगों को यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखाई देंगे फॉर्मेट से डेट एंड देन ओके। यहाँ पे आप लोग डेट एंड टाइम भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ टाइम चाहिए तो यहाँ पे टाइम पे ओके करोगे तो टाइम भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। पता चला यहाँ पे आप लोग टाइम भी डिफाइन कर सकते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलाइनमेंट, अलाइनमेंट सेट करना है तो यहाँ से आप लोग अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल चाहिए, लेफ्ट चाहिए, फील चाहिए, जस्टिफाई, ये सब हमारे फॉर्मेट है। यहाँ पे अपने होम मेनू में अलाइनमेंट में भी दिया है। नेक्स्ट है फॉन्ट, यहाँ पे हमारे होम मेनू में फॉन्ट भी दिया है कि फॉन्ट है तो हमें फॉन्ट चेंज करना है तो कहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर करनी है आप लोगों को टेबल की तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर दिए तो आप लोग
करनी है तो सेम आप कौन सेल ओपन करते हो, तो जितनी भी यहाँ पे आपको प्रोसेस दी है, इतनी प्रोसेस आप लोगों को कहाँ पे दी है, आपकी होम मेन्यू में भी दी है, पता चल रहा है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंसर्ट द कॉलम एंड रो। अब यहाँ पे मैंने टाइम एंड डेट लॉक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मुझे एक कॉलम ऐड करनी है सब्जेक्ट की, तो मैं क्या करूँगी इसे रेडली देन इंसर्ट। तो यहाँ पे मैंने जो भी कॉलम की आगे चाहिए उसे फर्स्ट क्लिक करना है एंड देन उसे इंसर्ट करनी है। यहाँ पे मुझे इसकी रॉ चाहिए, भेद के नीचे कौन है, भेद के ऊपर एक दो कॉलम चाहिए, तो देन राइटली एंड इंसर्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देगा थर्ड उनके नीचे एक कॉलम इंसर्ट हो गए, ऐसे आप लोगों को फॉर्मेट दे सकते हो, इंसर्ट एंड कॉलम दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को बॉन्ड टू सिलेक्ट करना है, देन आप लोगों को नंबर फिर से सही करना है कॉलम, तो यहाँ पे आप लोगों को इसे फ्री भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं सब्जेक्ट, मुझे थ्योरी सब्जेक्ट चाहिए सब में, तो मैं क्या करती इसे फिल करा दूंगी, तो हमारे पूरा टेबल बन गया है। अब हमें सेम टेबल यहाँ पे सीट नंबर वन पे बनाया है, कौन सी सीट पे बनाया है, सीट नंबर वन पे, तो आप उसे सीट नंबर टू में चाहिए जो हमारे टाइम है, सेम फॉर्मेट सेम कलर यहाँ पे हमें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसे फर्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉपी, तो यहाँ पे मैं कॉपी करके सीट नंबर टू में इंसर्ट कराऊंगी, तो आप लोगों को दिखेगा जो फॉर्मेट थी सेम फॉर्मेट आ गया, लेकिन हमारा वर्ड है छोटा हो गया, लेकिन मुझे सेम सीट यहाँ पे सेम फॉर्मेट में दूसरी पर चाहिए सीट नंबर टू में, तो यहाँ पे सीट टू सीट थ्री में आप लगेगी कॉपी एंड ऑफ कॉपी सीट वन ओके आ गया सेम फॉर्मेट सीट नंबर थ्री में, पता चला आप लोगों को कैसे किया टीचर ने फर्स्ट। मूव टू कॉपी सीट नंबर टू में ओके सीट नंबर टू ओपन हुआ, सेम फॉर्मेट सेम वर्ड सेम टेबल आपकी सीट नंबर टू में भी आ गया, पता चला। ओके नेक्स्ट हमारा है कॉपी मूविंग द डेटा जो हमने अभी जो किया। नेक्स्ट यूजिंग द ऑटो फिल, अब हमें क्या कराना है इसे ऑटो फिल कराना है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि क्या करना है, यहाँ पे वन लिखा है वन टू लिखा है, तो ऐसे आप लोग फिल कराना चाहते तो फिल करा सकते हैं। सेम हमें अगर आप लोगों को किचन में बोला ना ओवन की ऑड नंबर फिल कराना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वन आया वन टू
संडे, तो आप लोग यहाँ पे वीक भी फील करा सकते हैं, संडे मंडे ट्यूजडे से वीक भी फील करा सकते हैं, पता चला। देन आप लोगों को दिया है रोमन नंबर लिखना है आपके, तो फील करा सकते हैं। तो हमें फर्स्ट डे देन क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम रोमन नंबर अगर फील कराना चाहते हैं तो नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ नंबरिंग ही समझते हैं और कुछ नहीं। तो ऐसे आप लोग एक आई टू ए क्या हुआ, आप लोगों का टेस्ट हो गया, इसलिए वो हम ऑटो फिल कराना चाहते हो तो हम वो नहीं करा सकते। यहाँ पे अगर मैंने 1 2 3 लिखा होगा तो समझ पाएगी कि 1 2 3 लिखा है, लेकिन ये तो हमारा आई डबल आई है, कौन सा हमारा रोमन नंबर है, लेकिन रोमन नंबर क्या है टेक्स्ट में, इसलिए वो नहीं समझ पाती, इसलिए हम उसे ऑटो फिल नहीं करा सकते, पता चला। ओके नेक्स्ट हमने हमारा टॉपिक है मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक मीन्स अगर आप लोगों को मेनी फ्यूचर फंक्शन फॉर्मूला में ग्राफिक ऐड कर रहा है, कुछ दे सकते हैं ऐड कर रहा है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सेल रेक्टेंगुलर बी रो कॉलम कंटेनिंग द मेनी सेल, यहाँ पे रो कॉलम है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स चाहिए, तो हमने वो भी ऐड कर तो भी ऐड कर सकते हैं। सिंगल सी डेटा एक्सेल कॉल द वर्कशीट एंड कंबाइन ऑफ द वर्कशीट सेल एंड वर्कबुक, जो हमारे फर्स्ट पेज हुआ जो हम वर्क कर रहे थे क्या कहते हैं वर्कबुक, और वही सेम फॉर्मूला सेम रो एंड कॉलम, आपको नेक्स्ट कॉलम और रो में करना है, तो आप लोगों ने टीचर ने बताया एंड फर्स्ट सिलेक्ट राइट की कॉपी, नेक्स्ट कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की पेस्ट करना है जिस पेज पे, फिर सी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी, कौन सा की टीचर ने कौन सी बताई फास्ट लिखेंगे, अगर आप लोगों को फॉर्मेट सेल ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी बताई, कौन सी थी शॉर्टकट की, F2, कौन सी थी F2, फंक्शन की F2 ओपन करोगे तो फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। आप लोग 3 4 5 तरह से कॉपी कर सकते हो, फर्स्ट सिलेक्ट द वर्ड देन यहाँ पे आप लोगों को दिया है ऑप्शन कॉपी होम मेनू पे, देन राइट क्लिक करके कॉपी शॉर्टकट की राइट क्लिक करके भी कॉपी, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे तो अभी आप लोगों को, अब हमें मेन है तो हमें फाइल है उसे क्या करनी है सेव करनी है, हमारी फाइल को सेव करनी है, तो यहाँ पे सेव करने के लिए उसकी शॉर्टकट की फर्स्ट है कंट्रोल प्लस एस, उसकी शॉर्टकट की कौन सी है कंट्रोल प्लस एस, अगर हमें कंट्रोल प्लस में शॉर्टकट की याद नहीं रहती है तो कहाँ से क्लिक करेंगे फंक्शन की यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप लोगों को ऑप्शन दिया है सेव, अब हमें सेव का हमें करना है, तो आप लोगों को आपकी घर पे अगर पीसी हो तो आपके घर में आप लोगों को कोई भी डिस्क में लोकल डिस्क में आप लोगों का एक फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे दिया है न्यू फोल्डर, ऐसे नहीं करना है डायरेक्टली, देन आप लोगों को यहाँ पे दिया है न्यू, न्यू में आप लोगों को क्या ऑप्शन देंगे, फोल्डर, फोल्डर पे आप लोग क्या करोगे यहाँ पे आप लोग लिखोगे स्टार्टर फाइल E1 एंड देन आपका रोल नंबर भी लिख सकते हो, देन उस पर क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे हमें नाम लिखना है, हमारी कौन सी सीट है सीट, आज हमने जो वर्क किया है क्या बनाया है रिक्वेस्ट टाइम टेबल बनाया है, अब उसका एक्सटेंशन कौन सा है EXL, एक्सटेंशन भी आप लोगों को टीचर ने जो स्टार्ट किया था तभी बताया था, तो आप लोग इसे सेव कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस, ये आप लोगों को याद रखनी है एग्जाम में आएगी। ओके लाइक तो आप लोगों को पता चल ही गया है आज हमने कौन कौन सा टॉपिक सीखा, ड्रॉइंग कॉलम ऑटो फिल डेट टाइम एंड टेक्स्ट एंड देन आप लोगों ने क्या सीखा, अगर कोई कॉलम को डिलीट करनी है इंसर्ट करानी है तो कैसे करा सकते हैं वो भी आप लोगों ने आज सीखा, आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा, अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी हो कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके सो
बाय।